निकला पत्नी का हत्यारा। पारिवारिक कलह के चलते पति ने ही अपनी पत्नी की कर दी थी निर्मम हत्या। सबको बोरे में बंद कर तालाब में फेंका। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को पकड़कर पूछताछ की तो आरोपी पति की शिनाख्त पर पुलिस ने तालाब से बरामद किया शव। तो वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किरण कुमारी उर्फ पिंकी की डेड बॉडी आज तालाब से मिली है। 20 वर्ष पहले इनकी शादी संजय कुमार के साथ हुई थी। 6 बच्चे हैं इनके। कुछ घरेलू कलह का प्रकरण प्रतीत होता है। इसी कलह में इनके पति ने और इनके ससुर का नाम भी FIR में दर्ज है। 7 तारीख को एक मुकदमा कायम कराया गया था कि उनकी लड़की किरण कुमारी उर्फ पिंकी को गायब कर दिया गया है। हमने 364 का मुकदमा लिखा था। आज मृतका के पति जब पुलिस के पकड़ में आए तो उन्होंने घटना को स्वीकार किया और उनकी निशानदेही पे तालाब से डेड बॉडी बरामद हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। घटना को 302 में अलर्ट किया जा रहा है। किस तरीके से हत्या की गई? ये घटना काफ़ी पुरानी है। कई दिन बाद डेड बॉडी बरामद हुई है। पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, उससे पता चल जाएगा। अभी शरीर पे कई प्रकार के नीले नीले चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। उससे ऐसा लग रहा है कि प्रताड़ना से ही उसकी हत्या हुई।